हेलो भाइयों, आप सभी कैसे हो। आप सभी को नमस्कार। मैं कुमार शिवाकांत आप सभी का स्वागत करता हूं अपने परफेक्ट एजुकेशन 7 यूट्यूब चैनल पर। आज सॉयल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्रीकल्चर की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। एस ए आर का फुल फॉर्म सोडियम एडजॉर्प्शन रेशियो। एस ए आर का फार्मूला Na+/Ca2 √Ca2+ Mg2+। सर्वाधिक लवण प्रभावित मृदाओं का क्षेत्रफल यूपी में 1.295 मिलियन हेक्टेयर। यूपी में मुख्यतः मैनपुरी, अलीगढ़, एटा, फर्रुखाबाद, इटावा लवणीय प्रभावित मृदाओं का क्षेत्रफल है। जे डब्ल्यू लेदर ने सर्वप्रथम 19वीं सदी के अंत में लवणीय मृदाओं का विस्तृत अध्ययन किया था। सर्वप्रथम लवण प्रभावित मृदाओं को ऊसर नाम दिया गया। ऊसर संस्कृत भाषा के उस्तरा से लिया गया, जिसका शाब्दिक अर्थ बंजर अथवा बांझ मृदाएँ या अनुपजाऊ मृदाएँ। लवणीय मृदाओं में घुलनशील लवण सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, क्लोराइड आयन, सल्फेट आयन पाए जाते हैं। इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लवणीय मृदाओं की 4 मिलीमोल पर सेंटीमीटर 825 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिक होती है। ESP 15% से कम, pH 8.5 से कम, SAR 13 से कम होता है। इसके सुधार के लिए लीचिंग के द्वारा सुधार किया जा सकता है। लवण सहनशील फसलें जौ, चुकंदर हैं। NBSSLUP का फुल फॉर्म है नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉयल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग, नागपुर महाराष्ट्र में। क्षारीय मृदाओं की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 4 मिलीमोल से कम 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ESP 15% से अधिक, pH 8.5 से 10 तक, SAR 13 से अधिक। सुधार कैल्शियम सल्फेट या जिप्सम के द्वारा करते हैं। इस जिप्सम का सूत्र CaSO4 × 2H2O और POP का CaSO4 × 1/2H2O होता है, ध्यान रखेंगे। सहिष्णुता वाली फसलें चुकंदर और धान हैं। लवणीय क्षारीय मृदाएं, इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 4 मिलीमोल पर सेंटीमीटर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिक होती हैं। ESP 15% से अधिक होता है, pH 8.5 से कम, SAR 13 से अधिक होता है। सुधार के लिए CaSO4 × 2H2O अर्थात जिप्सम का प्रयोग करते हैं, सल्फर का प्रयोग करते हैं FeH2 या फेरस सल्फाइड का प्रयोग करते हैं, और निचालन के द्वारा मृदाओं को सुधारा जा सकता है। जिप्सम फैक्टर का मान 1.25 होता है, जो जलीय विलयन में H+ आयन देता है, उसे एसिड कहते हैं या अम्ल कहलाते हैं। अम्लीय मृदाओं का pH 7.7 से कम होता है, 7 से 0 की तरफ बढ़ने पर अम्लीयता बढ़ती है। अम्लीय मृदाओं का pH 5.5 तक होता है। अम्लीय मृदा बनने के कारण लेटराइजेशन, पोर्टुलाइजेशन, लीचिंग और मार्सी द्वारा किया जा सकता है। भारत में मार्थी इटाल 1976 अम्लीय मृदाओं का विस्तृत अध्ययन किया। अम्लीय मृदाओं के सुधार के लिए चूना, कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम, कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग करते हैं। अम्लीय मृदाओं में जौ, सेम, कपास, मटर, सोयाबीन उपयोग करते हैं। चाय एवं धान के लिए आवश्यक pH 4 से 6 होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का हाल्टाइज का चूर्ण तुल्यांक होता है 135%। भारत में अम्लीय मृदाओं का क्षेत्रफल 49 मिलियन हेक्टेयर है। अम्लीय मृदाओं में सूक्ष्म जीव फंजाई की अधिक वृद्धि होती है। pH की खोज SPL सोरेंसन ने 1909 में की थी। pH का फुल फॉर्म पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। pH पैमाने पर 0 से 14 तक अंक
होते हैं। जलमग्नता के कारण पीएच में कमी होती है। जलमग्नता के कारण ये भी कह सकते हैं कि मृदा अम्लीय हो जाती है। जलाक्रांत मृदाओं का आभासी घनत्व अधिकतम होता है। जलमग्न मृदाओं में सूक्ष्म जैविक क्रियाशीलता में कमी होती है। सर्वाधिक जलमग्नता वर्षा का कारण होता है। जलमग्नता का कारण के कारण अम्लीय मृदा का पीएच बढ़ता है। यहाँ पर पीएच 7 से 0 की तरफ बढ़ता है, यहाँ पर ये इसका मान है। भारत में जलमग्न मृदाओं का क्षेत्रफल लगभग 60 मिलियन हेक्टेयर है। जलाक्रांत मृदाओं में CO2 की सांद्रता बढ़ जाती है। भारत में लगभग 141.33 मिलियन हेक्टेयर मृदा जल द्वारा कटाव होता है। वायु क्षरण 4.50 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल है। भूमि में उपस्थित जीवांश पदार्थ मृदा कटाव को प्रभावित करते हैं। मृदा क्षरण 2 प्रकार का होता है। जलीय कटाव 2 शक्तियों पर निर्भर करता है। मृदा क्षरण में मृदा के भार के दृष्टिकोण से उत्परिवर्तन से कितने प्रतिशत भाग स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है, 50 से 75%। वायु द्वारा मृदा क्षरण में कितनी प्रक्रियाएं होती हैं, तो 3। यू आकार की अवनलिकाओं का निर्माण किस प्रकार की भूमि में होता है, तो अधोसतह की भुरभुरी भूमि में। गली इरोजन की कितनी अवस्थाएं हैं, 4। संसार के कुल क्षेत्रफल स्थल के कितने प्रतिशत भाग पर मरुस्थल हैं, 40 से 50%। कालांतर में जब क्षुद्र सरिता विकसित होकर अवनालिका के रूप धारण कर लेती है तो अवनालिका क्षरण या गली इरोजन कहते हैं उसे। अधिक गहन वर्षा पूरे सीट इरोजन होता है। राजस्थान का मरुस्थल हमारे देश में कितने क्षेत्रफल, तो 2.0800 वर्ग किलोमीटर है। ऊसर भूमि को बीहड़ या कल्लर या अनुपयोगी भूमि के नामों से जानते हैं। कुछ फुलफार्म है, WSRC का फुलफार्म है, वेस्ट लैंड सर्वे एंड रिक्लामेशन कमेटी 1961 में बनाई गई थी। NWDB नेशनल वेस्ट लैंड डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना 1985 में की गई थी। SPWP सोसाइटी फॉर प्रोमोशन ऑफ वेस्ट लैंड डेवलपमेंट 1984 में स्थापना हुई थी। भारत में 173.64 मिलियन हेक्टेयर भूमि समस्याग्रस्त क्षेत्र है। सर्वाधिक वेस्टलैंड भूमि राजस्थान में मिलती है। बंजर भूमि बनने का मुख्य कारण मानवीय है। बंजर भूमि बनने का मुख्य कारण मानवीय है। लवणीय मृदाओं के सुधार निचालन के द्वारा किया जा सकता है। जलमग्न मृदाओं में MN व FE की सुलभता अधिक होती है। UNCEP का फुलफॉर्म यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। रासायनिक मल्च के रूप में प्रयोग होता है, लेटेक्स। मृदा निम्नीकरण का सर्वाधिक प्रभाव मृदा पर पड़ता है, जैविक गुण, रासायनिक गुण और भौतिक गुण पर। ग्लेशियर मृदा को कृषि योग्य नहीं बनाया जा सकता है। भारत में सर्वाधिक भूमि निम्नीकरण जलभूषण से होता है। दक्षिण भारत में ट्रोपियन क्षेत्र पठार, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में शुष्क क्षेत्र सम्मिलित हैं। भारत में अकाल का कमीशन गठन 1980 में हुआ था। भारत में जोत का आकार है 13.94 लाख हेक्टेयर। भारत के मैदानी शुष्क क्षेत्रों में वर्षा पश्चिमी मानसून के कारण होती है। शुष्क खेती पर अनुसंधान कार्य महाराष्ट्र में सोलापुर
मैसूर में, बीजापुर तमिलनाडु में हमारी बिल्लारी अनुसंधान केंद्रों में 1933 से 1935 में आरंभ हुई थी। क्या अंधेर्ध टिब्बे की ऊंचाई 100 किलोमीटर तक होती है? बालू टिब्बा का निर्माण वायु प्रवाह से होता है। भारत में सिंचित क्षेत्रफल 45.6% है। मई जून में प्रतिदिन कितने सेंटीमीटर पानी वाष्पीकरण के रूप में भूमि की सतह से नष्ट हो जाता है? तो 0.7 से 1%। ब्रिटेन में पट्टियों की कितनी चौड़ाई कितनी तक रखी जाती है? तो 2.5 जरी। तार से बाड़ बनाने के लिए लोहे के खंभों की कितनी मीटर दूरी पर रखते हैं? 3 से 4 मीटर। कुछ इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म है कजरी, सेंट्रल एरिड रिसर्च इंस्टीट्यूट राजस्थान 1959, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर राजस्थान में स्थापना 1959 में हुई थी। क्रीडा, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर हैदराबाद आंध्र प्रदेश 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। SCSSRI सेंट्रल सॉयल सॉलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा में। CSWCRTI सेंट्रल सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट देहरादून उत्तराखंड में। IISS इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉयल साइंस भोपाल मध्य प्रदेश में। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।